सो गाइज उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे फ़ोन देखिए कंटिन्यू प्रेस करके रखने हैं 4 सेकंड। उसके बाद ऑन ऑफ छोड़ देना, होम की जो है वो कंटिन्यू प्रेस करके रखनी है जब तक आपका फ़ोन DFU मोड पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइस DFU मोड पे सक्सेसफुली चला गया। यहाँ पे देखिए अभी जो है इसका जेल ब्रेक वो डन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक्टिवेशन लॉक बाईपास करके आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद इसमें सेम कॉल्स नोटिफिकेशन वगैरह सब काम करेगा। अगर गाइस आपको भी किसी भी फ़ोन का एक्टिवेशन लॉक बाईपास करना है, तो आप सब जानते हैं अभी तक विंडोज़ के लिए टूल नहीं है, सिर्फ मैक ओएस के लिए बाईपास के लिए। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर आ जाइएगा, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मैं आपकी ट्राई करूँगा, जो भी हेल्प होगी जितने से जल्दी क्लियर कर सकूँ मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद डन कर देना, उसके बाद गाइस कुछ भी नहीं करना, इसे चेक रेन को ओपन कर देना। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्टिवेशन लॉक दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये बाईपास करना और सीरियल जो रजिस्टर्ड करना है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के रखी है आई रिमूव की, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो वीडियो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगी। आप एप्पल टैक्स 786 जो मेरे चैनल का नाम है वो यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो कोड यूज़ करेंगे आप प्रोमो कोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन एक्टिवेशन लॉक पे। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं EMC से अभी कर रहा हूँ, क्योंकि आई रिमूव से मैंने बहुत सारे किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोन ऑलरेडी वैसे कनेक्टेड था, मैं एक बार निकाल के फिर से लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने लगा दिया, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए एक्टिव डिवाइस आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल एक्टिव डिवाइस पे क्लिक कर देना और वेट करना जब तक ये प्रोसेस फिनिश ना हो। आपका फ़ोन जेल ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसे ईजिली एक्टिवेशन लॉक है वो बाईपास कर लेंगे। सो पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पर मैंने इसे गाइज कर दिया एक्टिव डिवाइस पे क्लिक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब डन होता है ये देख सकते हैं सर्कल घूम रहा है, यहाँ पे फ़ोन सामने है, तो यहाँ पे रीकनेक्ट दिखा रहा है। तो मैं एक बार निकाल के फिर से लगा देता हूँ, कई बार केबल में इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फिर से क्लिक गाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो मैं केबल चेंज करके फिर से करूँगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती किसी भी टूल में, EMC में या फिर मीना में या आई रिमूव में आपको सीरियल अपडेट करना, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते, खुद से करना चाहते, तो आई रिमूव की वीडियो मैंने डाल दी है, डिस्काउंट के साथ कूपन आपको दे दिया, आप वहाँ पे जाके कूपन यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए सीधा डाटा एंड प्राइवेसी पे आ चुका है, और यहाँ पे देखिए डिवाइस सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ठीक है। ओके कर देता हूँ, अब मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ, USB निकाल देता हूँ सेटअप लेटर, और पासवर्ड मैं लगा देता हूँ गाइस 4 डिजिट का 1143 लगा रहा हूँ गाइस मैं, यहाँ पे पासवर्ड मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे डोंट, ठीक है, तो डोंट हैव एप्पल आईडी, यहाँ पे मैं पूरा सेटअप लेटर इन सेटिंग डोंट यूज़, एंड देन गाइस यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। उसके बाद आपको मैं सिम लगाऊँगा, फ़ोन रीस्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट करके भी दिखाऊँगा देख कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, इसमें मैं पूरा आपको बता दूँगा गाइस। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से आपको करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस के IMEI भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं IMEI, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस मैं इसमें सिम लगा के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो इसमें कॉल्स वगैरह चल रही है या नहीं चल रही है। पहले मैं एक बार इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं इसमें सिम लगा के आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया पावर ऑफ, सिम का पिन।